नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं इरिकॉन पे। आप यहां पे देखिए जो इसकी करंट मार्केट प्राइस है लगभग 48 रुपये 30 पैसे है और लगभग ये 60% की तेज़ी, अगर हम इस परसेंटेज में बात करें तो 1.26% की इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए इसके हम फंडामेंटल पर देखते हैं, ये स्मॉल कैप कंपनी है और ये कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करती है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए इसका जो 52 वीक लो है 54 रुपये 25 पैसे है और यहाँ पे अगर हम 52 वीक लो की बात करें तो 37 रुपये का मात्र 52 वीक लो है। देखिए रिटर्न तो उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया है, 24% एक साल में, वन मंथ में ये रिटर्न अभी मतलब स्टॉक अपर ट्रेंड जाने वाला है इसीलिए। और ये देखिए डिविडेंट यहाँ पे एक अच्छा देती है। यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, मतलब शेयर होल्डर की बात करें हमारे जैसे या जो भी शेयर होल्डर्स हैं इसके, लगभग 2.7 लाख शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम अर्निंग रिजल्ट पे आए हैं। यहाँ पे इसका 12 नवंबर को अर्निंग रिजल्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 12 नवंबर को इसका अर्निंग रिजल्ट है। तो देखिए मैंने वन डे का चार्ट लगाया, आप ध्यान से देखिए वन डे का चार्ट लगाया और ये स्टॉक अब रॉकेट बढ़ना मतलब चालू हुआ है। जैसे ही रिजल्ट आने की टाइम है, देखिए अभी 8 तारीख है तो 2-4 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा, तो यहाँ पे इस स्टॉक में आपको भारी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप यहाँ से अपना बस खाली नज़र बना के रखें यहाँ पे, अगर आपको जब भी तेज़ी देखने को मिले तो आप यहाँ पे तुरंत कूद पड़ें। और अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये लेवल आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये लेवल अच्छा है। ठीक है, और RSI भी देखिए अपर ट्रेंड जा रही है, तो आपका स्टॉप लॉस 47 रुपये होना चाहिए। ठीक है, 47 रुपये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप 47 रुपये स्टॉप लॉस ले, मतलब 2 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस आप लेके यहाँ पे आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। ठीक है, और आपको एक अच्छा पोजीशन है, मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसका लगभग 100 शेयर लेंगे तो लगभग आपको 100 शेयर लेंगे तो लगभग आपको समझ लीजिए कि 4800 कितना लगेगा, लगभग आपका 4900 रुपये मान लीजिए, 4900 रुपये लगेगा, लगभग 5000 आप मान के चलिए, 5000 में आप यहाँ पे 100 शेयर की क्वांटिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो 5000 लगा के आप 100 शेयर की क्वांटिटी ले सकते हैं। ओके,